नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइस, यहां पे हम डिस्कस करेंगे BPCL शेयर के बारे में कि आपके शेयर पे जो है निवेश करना चाहिए नहीं, और इस शेयर में जो आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेगा, कहाँ ही शेयर का सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस, सारा हम आपको क्लियर करके देंगे। इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप जो है वो क्या इंडिकेट करें, टेक्निकल लेवल जो है वो क्या इंडिकेट करें, सारा ए टू जेड क्लियर कर देंगे। और इस शेयर में जो आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेगा वो भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए गाइस, स्टॉक का जो है एनालिसिस शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे BPCL शेयर के बारे में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, शेयर के फाइनेंशियल्स का इंडिकेट करें, फंडामेंटल्स का इंडिकेट करें, और यहाँ पर क्या मोमेंटम बन रहा है। तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में जो है आपको बिल्कुल भी जो है गिरावट देखने को नहीं मिली, ना ही चढ़ाई देखने को मिली। एक रेंज में जो है शेयर फंसा रहा, पिछले 1 महीने में 2% की तेजी, पिछले 6 महीने में 18%, पिछले 1 साल में जो है स्टॉक में हमें रैली जो है डाउनवर्ड साइड से देखने को मिली है। तो मैं आपको अभी भी यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, 500 के टारगेट अभी भी हम जो है गाइस BPCL में आपको इंटैक्ट करके चल रहे हैं, और 500 के टारगेट आपको जो है BPCL में देखने को मिल जाएंगे। और अभी तो लॉन्ग टर्म में शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के देगा। एक तो सबसे पहले जो ग्रीन पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इसका आने वाले टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है बहुत बड़े बड़े हैं, और काफ़ी गवर्नमेंट के साथ इनके MOU साइन हो चुके हैं। सिर्फ इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ नहीं, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी इन्होंने जो है प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में ग्रीन पावर प्रोजेक्ट के काफ़ी लॉन्च करने हैं, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ में फ़ायदा होगा, इनका फाइनेंशियल जिससे काफ़ी स्ट्रांग होगा, फंडामेंटल भी कंपनी काफ़ी स्ट्रांग होगी। और ऊपर से गाइस, कंपनी की जो पी रेशो वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक अंडर वैल्यूड प्राइस में आपको मिल रही है, अपनी वैल्यूएशन को जो है शेयर प्राइस अभी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो शेयर प्राइस में हमें एक इजाफा ज़रूर देखने को मिलेगा। और जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया, आप देख सकते हैं नेट इनकम, प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम कंपनी के काफ़ी बढ़िया है। और ऊपर से जो शेयर है वो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, कोई भी कमी आपको जो है शेयर में देखने को नहीं मिलेगी, इसमें आपको काफ़ी तेज़ी जो है आने वाले टाइम में और फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो BPCL में आप लोग बेफिक्र पोजीशन बनाइए, जो रशिया यूक्रेन का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था BPCL पे वो भी अब जो है सॉर्टेड हो चुका है, अभी इन्हें जो है डिस्काउंट में क्रूड ऑयल बेचना नहीं पड़ रहा। तो आने वाले टाइम में BPCL में आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, BPCL में आप लोग जो है बेफिक्र पोजीशन बनाइए, कोई भी कमी आपको BPCL में जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसका चार्ट। तो गाइस, यहाँ पे हम जो है BPCL का आपको चार्ट सेटअप एक्सप्लेन करके देते हैं यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है। तो सेटअप जो है आप देख सकते हैं, शेयर एक कंसोलिडेशन फेज में चले गया था, एक रेंज बाउंड मोमेंटम में चले गया था, और यहाँ पे शेयर कंसोलिडेट करा था, और यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली, लेकिन फिर से शेयर में एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यही राय दूंगा, मेरी आपको यही सलाह रहेगी, BPCL में जो है अभी आप पोजीशन जो है होल्ड करके रखिए, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए। 500 के टारगेट आपको BPCL में गाइस बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा इसमें जो आपको एक कंसोलिडेशन फेज जो है देखने को मिल सकता है, तो इसमें आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशंस बना के रखिए। 500 के टारगेट कहीं नहीं गए गाइस, इस शेयर में बैठे, इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड आपको जो है फ्यूचर में जो है देखने को मिल जाएगा, और 500 के टारगेट आपको जो है BPCL में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, BPCL शेयर एक बाई कॉल रहेगी, इस शेयर में आप जो है बाइंग करके चलिए, 500 के टारगेट कहीं नहीं गए गाइस। तो गाइस, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।